जय जिनेन्द्र। देवलो जनालय पालीताना पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अहमदाबाद नगर से, अहमदाबाद नगर में यूँ तो 110 से भी ज़्यादा जनालय विद्यमान हैं। प्राचीन शहर जो है यहाँ का, यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा जनालय विराजमान हैं। सभी अद्भुत कलाकारी से पूर्ण हैं। ओल्ड टाइम में यहाँ पे सभी जनालयों में लकड़ी की नक्काशी हुआ करती थी। साथ में यहाँ पे 15 जनालय तो ऐसे हैं जिनमें कि भोहरे हैं, और भोहरे में बहुत ही ज़्यादा वृहद आकार की प्रतिमा जी विराजमान हैं, जो कि खम्भात और आदिनाथ दादा के जो मेन तीर्थ जो हमारा शत्रुंजय है, वहाँ के मूलनायक जी के साइज़ के इक्वलेंट है। आज 108 पार्श्वनाथ जी की तीर्थ श्रृंखला में हम लोग आए हैं अहमदाबाद के 5 जनालयों में से मुख्य 108 पार्श्वनाथ में श्री श्यामला पार्श्वनाथ जी के, जो कि श्यामला की पोल में स्थित हैं। हम चल रहे हैं दर्शन करने के लिए दादा के। सेकंड फ्लोर पे विराजमान है अमीजरा पार्श्वनाथ और थर्ड फ्लोर पे विराजमान है श्री जिरावला पार्श्वनाथ। तो आइए हम चलते हैं दर्शन करने के लिए श्री श्यामला पार्श्वनाथ जी के। हमारे साथ यहाँ के एक कल्याण मित्र केयूर भाई भी साथ में हैं। ओल्ड टाइम की लकड़ी की नक्काशी आपका स्वागत करती है अद्भुत जनालय में। परमात्मा की सप्त फणा से युक्त ये प्रतिमा जी, जो कि स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है श्री श्यामला पार्श्वनाथ 108 में दादा की भक्ति करते हैं। कृष्ण पाषाण से युक्त ये वाली प्रतिमा जी है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम ओम अमृतरु काम धेनु चिंतामणि काम कुंभ माइया श्री पासनाह सेवा गहणे सव्ये विदा सतम ओम जोगे मग्गे तच्चे भुए भविष्य अंते पक्खे जीण पार्श्वे स्वाहा। ओम नृं श्रीं नरेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री श्यामला पार्श्वनाथाय नमः। परमात्मा श्री श्यामला पार्श्वनाथ जी, बहुत ही अद्भुत ये प्रतिमा जी। परमात्मा के स्वामी श्री आदिश्वर दादा का ये अद्भुत जिनबिंब विराजमान है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हम श्री धर्मचक्रिणे रहते नमः। श्रीमद स्वामी भगवान विहरमान तीर्थंकर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हम श्री धर्मचक्रिणे रहते नमः। पद्मावती माता। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वंशा पूर्णिमा मृद्यम सिद्धिम जयम गुरु गुरु स्वाहा। सामने गौतम स्वामी जी कंठर। ओम ह्रीं श्रीं गौतमाय सर्वलब्धि निधानाय ओम ह्रीं नमः। एक वृहदाकार का झूमर यहाँ पे परमात्मा के सम्मुख। जनालय की प्रशस्ति जब यहाँ की प्रतिष्ठा हुई थी शासन सम्राट श्री विजय नेमिसूरि जी के द्वारा और उनके साथ के आचार्यों के द्वारा, ये प्राचीन प्रशस्ति हमको प्राकृत में भी देखने को मिल रही है। ये इसकी प्राचीनता को दिखाता है। नक्काशी पे गोल्डन पेंट के माध्यम से उभरता वो दिखाया गया है। ऊपर चल रहे हैं दर्शन करने के लिए हम श्री अमीजरा पार्श्वनाथ जी के। पहले ये जनालय लकड़ी का ही हुआ करता था, अब ये जनालय मार्बल स्टोन का है। अमीजरा पार्श्वनाथ बहुत ही सुंदर परिकर के साथ में यहाँ पे विराजमान। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री अमीजरा पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदिनाथाय राम ह्रीं रुम रुम रह सर्व विघ्न स्तंभाय स्तंभाय ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका देवी राहु ग्रह पूजिताय गिरनार मंडन श्री नेमिनाथाय नमः। श्री केसरिया जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री धर्मचक्रिणे अर्हते नमः। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय
श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। ओम सोम ब्रीम नमो श्री शांतिनाथाय द्रौं द्रौं स्वाहा। ओम ऐं नमः थुणं मरिहंताणं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पूर्णिमा मृद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ये नीचे के रंग मंडप का एक अद्भुत दृश्य और ऊपर का घुमट। ऊपर चल रहे हैं श्री जीरावला दादा के दर्शन करने के लिए। जब भी किसी भी जनालय की स्थापना होती है तो उस स्थिति में जीरावला दादा का ही मंत्र के साथ में किसी भी प्रतिमा जी की अंजन शलाका होती है और उनकी प्रतिष्ठा होती है। परमात्मा की धर्मध्वजा हेरिटेज लुक अहमदाबाद का ऊट सिटी का श्री जीरावला पाशनार्थ। ओम ह्रीं श्रीं श्री जीरावलाय मम रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। तो ये थे आपके दर्शन। श्री श्यामला पाशनाथ जी के 108 पाशनाथ जी में शामिल हैं अहमदाबाद से और मेरे साथ में कल्याण मित्र केयूर भाई। जय जिनेन्द्र, जय पाशनाथ।